अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, घर फैला हुआ है और ये मैंने सारी प्रेस की है कपड़ों पे और मैं इसको बैग में रख रही हूँ क्योंकि मैं आज जा रही हूँ अपनी बहन के घर। तो ये सारा सामान वगैरह मैं रख लेती हूँ, ये सारी कपड़ों को तय वे करके इनका काफ़ी सामान हो गया, तो मैं 2-4 दिन के लिए जा रही हूँ फिर। और है ना, ये सारे सामान मैं रख रही हूँ बैग में और मैं आपको किचन में भी लेके चलती हूँ। अब मैं आपको किचन में लेके चलती हूँ, तो मैं किचन में दिखा देती हूँ मैंने खाना क्या बनाया है। मैंने अपने लिए खाना नहीं बनाया, ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया है। तो मैं अक्सर जब भी जाती हूँ तो मैं खाना बना कर जाती हूँ, जितने भी दिनों का बना लेती हूँ, 1 दिन का 2 दिन का 3 दिन का, लेकिन आज मैंने 2 दिन का बनाया। ये मैंने पुलाव बनाया है और आज मैं 2 ही बना चुकी हूँ क्योंकि आज मैंने अचानक सुबह उठी हूँ, अचानक से मैंने प्रोग्राम चेंज कर लिया। और ये मैंने आलू गोश्त बनाया है, तो ये आज खा लेंगे, कोई भी खा सकते हैं, ये खा लें या वो खा लें। तो वैसे जब मैं जाती हूँ तो 2-2, 3-3 खाने बना के जाती हूँ, लेकिन आज नहीं बनाया, आज टाइम नहीं था। तो वो मैं आपको बता रही थी कि अचानक मेरा प्रोग्राम बन गया और ये शमी भी रेडी हो चुके हैं तकरीबन, और ये बदीरा भी बैठी हुई। बदीरा के मैं बाल बांधूंगी, वो बाल बांध के आपको दिखाऊंगी भी, बस उनके बालों का मसला है, कपड़े पहले उन्होंने चेंज कर लिए हैं, है ना बदीरा। तो बदीरा बहुत खुश हैं आज, कभी अपने आलू के घर जा रही हैं। तो बस मैं जल्दी जल्दी पैकिंग कर लेती हूँ और पैकिंग करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। अपना सारा सामान वगैरह रख लिया है, ये बैग है और इसमें थोड़े से इनके बच्चों के टैबलेट वगैरह हैं तो वो भी रखे हैं, चार्जर वगैरह रख लिए हैं। और ये मेरा बैग बिल्कुल रेडी हो गया, तैयार हो चुका है और अब मैं कमरे में लेके चलती हूँ, मैं भी रेडी हूँ। और ये बदीरा बैठी हुई है, बस बदीरा के मैं बाल बांधती हूँ, बदीरा के बाल बांधने के बाद फिर हम घर से निकलते हैं। और ये शमील बिल्कुल रेडी तैयार हो गए, तो शमील भी रेडी है, बस मैं इनके बाल बांध के फिर मैं भी रेडी हो जाती हूँ और बस हम लोग निकलते हैं। अब मैं आपको पहले बदीरा के बाल काट कर दिखाती हूँ। ये देखें, ये बदीरा के बाल अभी मैंने नहलाया था, बदीरा बल्कि नहलाया था, खुद ही नहाई थी और फिर इनके बाल दोबारा से कंघा करना पड़ रहा है। बहुत जल्दी इनके सिल्की बाल हैं तो जल्दी नच जाते हैं, तो ये मैंने तैयार कर लिया, अब इनके मैं बाल बांध रही हूँ। ये ऐसे मैं इस तरह से इनके ऊपर, ये बाल बहुत अच्छे लगते हैं, बल्कि थोड़ी सी मांग टेढ़ी है इनकी। काफ़ी दिनों से पीछे लगी थी, मम्मा आने के घर चलो, तो बदीरा तो बहुत ज़्यादा खुश है ना बदीरा, बहुत खुश है, जबान कर रही तो जैसे इनके बाल बन जाते फिर मैं। ये देखिए, ये बदीरा का हेयर स्टाइल बन चुका है और कितना ज़बरदस्त लग रहा है, तो ये बदीरा के ऊपर बहुत प्यारा लगता है। और अभी बाल खुले हुए इनके, तो इसके ऊपर मैं पीछे क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो मैं पौनी बांध दूंगी और बहुत प्यारी लगेंगी बदीरा। देखें बदीरा दिखाना इस तरह से, ये बहुत प्यारा लगता है इनके ऊपर और ये बन जाते हैं। और बस हम लोग रेडी हैं, बस अब हम लोग निकलते हैं, फिर निकलते हैं तो फिर आपसे निकल चुके हैं और अब गाड़ी में बैठ चुके हैं। अब हम लोग का सफर ख़त्म ही होने वाले हैं, तकरीबन आधे से ज़्यादा हो गया है। जैसे हम लोग क्वेश्चन आसानी करते हैं आपको जल्दी फ़ौरन दिखा। मैं अपनी बहन के घर पहुंच गई हूं और ये अनुषा वगैरह बैठी हुई है और ये देखें बदीरा कितनी खुश हो गई हैं। अभी अभी हम लोग आए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और बहुत ही काफ़ी फासला था, तो ट्रैफिक की वजह से बहुत देर हो गई। तो बहन से मैंने पानी मांगा तो वो जल्दी जल्दी शरबत बनाने लगी हैं, तो अभी शरबत बना रहे, बन गया शरबत, ये देखें वो जल्दी इन्होंने शरबत भी बना लिया और अब हम शरबत अरबत पियेंगे। और मैंने सारा सामान गाड़ी में से उतार लिया है और अब हम इंजॉय करेंगे। और आज का व्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।